तो गाइस दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर कन्वर्जेशन विद उत्कर्ष गुप्ता. ही हैज क्रैक्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्कोर्ड 78 रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2016. तो आज हम अभी मेंस के बारे में जानेंगे उत्कर्ष से कि हाउ टू क्रैक इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, कि किस तरीके से ऑप्शनल और जीएस जो कि ह्यूमंगस सिलेबस माना जाता है मेंस में, आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, तो किस तरीके से इन्होंने खाली एक साल के अंदर मैनेज किया एंड फाइनली get into the IAS. So, Utkarsh, welcome to the Sarthi Mentorship platform again. Hello. So, I would like to know ki mains exam kaise yaar itni jaldi aapne itne kam time frame mein manage kiya. What is the key to that? Dekhi, first of all, aapko khud ka, jaise main pichle video mein bhi baat kar raha tha, khud ke saath aapko brutal hona padega. You have to realize ki aap के अंदर क्या, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. लाइक आई न्यू कि माय इंग्लिश इज नॉट सो बैड, इट इज गुड, तो आई डिड नॉट हैव टू वर्क ऑन माय आंसर राइटिंग स्किल्स पर से. मुझे पता था कि अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं तो मैं वहां पे जाके मैं बना सकता हूँ, वहां पे आंसर लिख सकता हूँ. तो वो सबका अपना अपना डिफरेंट लेवल रहेगा उस एक्सपर्टीज का. तो वो सबको उस हिसाब से अपने आप को जज करना है, अपने आप को देखना है कि कहाँ पे उनकी वीकनेस है, कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जनरल स्टडीज में अगेन द फोकस इज जनरल स्टडीज. इट इज अ जनरल एग्जाम, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एग्जाम. देखिए, आई गिव यू मेरा खुद का एग्जाम्पल. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने पहली बार GS1 का पेपर निकाला था 2015 का. मैंने सोचा यार इतनी टेक्निकल नॉलेज तो मुझे हो ही नहीं सकती क्योंकि दे आस्क्ड वेरी टेक्निकल स्टफ. देन आई वेंट ऑनलाइन एंड सॉ कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉपर्स के आंसर शीट्स अपलोड करते हैं. जब मैंने वो देखा मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टेक्निकल बात तो करनी नहीं है इसमें, मुझे तो जनरल बात करनी है. और जनरल बात तो मैं कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया है, जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास नॉलेज की कमी थोड़ी है. नॉलेज तो आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, पर्सन सी के पास भी वही होगी. नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं होती है. बस वही है कि वहां पे जाके ये लोग, मतलब बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग. मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने लोगों से बात करके देखा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, वो आंसर कुछ और करते हैं. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. हम लोग के टाइम पे 2016 एग्जाम में GS1 GS2 दोनों में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया था. राइट राइट राइट. तो दोनों में पीपल हैव रिटन द सेम आंसर. बट अब हियर इज द कैच, हियर इज द मेन थिंग. The catch is GS1 is not about geopolitics. GS2 is not about environment. Bilkul. But you have to write both. But GS1 में जब आप आंसर लिखेंगे तो geopolitics एक पॉइंट होगा और environment के दो पॉइंट होंगे या तीन पॉइंट होंगे, चार पॉइंट होंगे, whatever. और GS2 में the focus of the answer will be on geopolitics. It will not be on environment. तो context of the question समझना is very important. And UPSC में जब भी mains में कोई भी सवाल आएगा, कोई भी question आएगा, it will have a context. अगर वो context आपने समझ लिया, तो आप एक legible answer, एक ऐसा answer लिख के आ सकते हैं जो examiner को पता होगा. जैसे again I'll give you an example. हम लोग का GS1 में they had asked about Western African National Movement. तो यार मुझे तो कुछ नहीं पता था वेस्टर्न अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट के बारे में. वर्ल्ड हिस्ट्री एक टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में भी नहीं है, तो आई डिड नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट. एंड आई नो कि एक क्वेश्चन आना है वर्ल्ड हिस्ट्री का, 12.5 नंबर का. तो मेरे लिए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें तो बहुत ही कम है ना. तो लोग नॉर्मली वो पढ़ते हैं, नॉर्मली लोग पढ़ते हैं जो कि 400 पेज की किताब है. अब 400 पेज की किताब में एक क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ूं, मेरे लिए तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही नेग्लिजिबल है. आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम स्टडीइंग जहां पे 3000 क्वेश्चन आएंगे, या फिर आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम वर्किंग ऑन माय ऐसे जहां पे मैं अपने 120 नंबर को 150 नंबर तक लेके जा सकता हूँ. तो अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, पॉइंट टॉप करने का नहीं है यहाँ पे. फिर से
यहाँ पे आपको अपनी सर्विस के हिसाब से नंबर लाने हैं, जो वॉट एवर सर्विस यू वॉन्ट. मतलब ऑब्वियसली यू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम यू वुड वांट टू बी इन द टॉप 50 टॉप 60 व्हाट एवर, जो जो भी आपको अपनी सर्विस मिल जाए जो भी आप चाहते हैं. तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको जीएस वन में 120 नंबर लाने हैं और जी और ऐसे में आपको 150 नंबर लाने हैं. अगर जीएस वन में 150 आ रहे हैं और ऐसे में 120 आ रहे हैं वो भी चलेगा. आपको बस आपका ऐसे का स्कोर, आपके दो ऑप्शनल्स के पेपर, चार जीएस के पेपर को थ्रेशोल्ड से ऊपर रखना है. तो कहीं पे अगर नंबर कम हो जाए तो कहीं पे बढ़ाए भी जा सकते हैं. इट इज नॉट लाइक कि सारे पेपर आपको टॉप करने हैं. दिस इज सारे पेपर टॉप करने हैं. और मेरे हिसाब से आउट ऑफ दीज एग्जाम्स, आउट ऑफ दीज 7 एग्जाम्स व्हिच काउंट, 4 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट. आपके दो ऑप्शनल पेपर, आपका एसे और आपका एथिक्स. ओके ओके. जीएस में आप देखेंगे तो सबके एवरेज मार्क्स ही आने हैं. उसमें आप टाइम स्पेंड करके अपना एक्स्ट्रा आवर्स डाल के आप उसको 120 से 125 कर सकते हैं. लेकिन आप उसको 120 से 150 नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने ऑप्शनल में काम करेंगे तो वो 120 से 150 बहुत आसानी से हो सकता है. एंड दैट इज द गेम. द गेम इज टू हैव अ क्यूम्युलेटिव स्कोर. इट इज नॉट कि मुझे जीएस वन में भी अच्छे नंबर चाहिए. Optional ethics essay are the most important paper, I think. They are the most scoring papers. All right. क्योंकि वहीं पे आपका difference आता है. GS के papers are very normal. यहाँ पे मैं answer writing के बारे में भी एक चीज I want to call out. अब जैसे context of the question, we were talking about that question which had come about Western African movement. अब उस time news में घाना का down with Gandhi movement चल रहा था. अब I thought, I don't know what UPSC had in mind, but मेरे हिसाब से घाना का जो चल रहा था, that was the context of the question. तो अब current affairs आप पढ़ते हैं, नाम एक stick हो गया, तो निक्रुमा करके एक नाम था, who was the leader of the movement. तो अब मैंने, अब सभी लोग कहते हैं कि introduction होना चाहिए, body होना चाहिए, conclusion होना चाहिए. अब Western African नेशनल मूवमेंट के बारे में तो पता नहीं है. बस इतना पता है कि ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर रखा था, ब्रिटिश और फ्रेंच ने. तो हाउ विल इट बी डिफरेंट देन आवर ओन नेशनल मूवमेंट. सिमिलर होगी. इस बात की तो नॉलेज सबको है, कॉमन सेंस सबको है. बिल्कुल. आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है. लेकिन आप सिमिलैरिटीज तो लिख सकते हैं ना. आप तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में एक्सपर्ट हो जाते हैं जब तक आप मेंस के लिए जाते हैं. बिल्कुल. तो वही चीज आप लिख दीजिए विदाउट द नेम्स. तो नक्रुमा को गांधी जी बनाइए और पूरा नेशनल मूवमेंट लिख दीजिए. बस एग्जैक्टली. तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता है ना क्वेश्चन का, कि ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है. आपने वो कॉन्टेक्स्ट दे दिया और आपने कंक्लूजन भी एक अच्छा सा लिख दिया. तो आपको जहाँ पे खाली छोड़ने की जगह जीरो मार्क्स मिलते, कुछ लिख के आए तो 3 या 3.5-4 नंबर तो मिलेंगे ना. उसी का गेम है. वही गेम. I'll give you one more example. GS2 में National Child Policy पूछा था. National Child Policy had come in 2015-16. नहीं मालूम था. अब logically सोचे ना, National Child Policy में क्या होना चाहिए? बिल्कुल. Education, child labor. मतलब education, child labor, health, nutrition, और children की definition क्या है? 16 साल से कम बच्चे, तो 0-5 के लिए कुछ होगा, 5-8 के लिए कुछ होगा, फिर ऐसे करके होगा. तो अपने आसपास देखिए कि 16 साल तक के बच्चों के क्या इश्यूज हैं और पॉलिसी में वही एड्रेस करने की कोशिश की होगी. और इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि GS2 में पूछा गया है. तो योर फोकस हैज टू बी ऑन द टॉपिक्स व्हिच आर इन GS2. इट हैज टू बी अ जनरल आंसर, बट द फोकस विल बी ऑन कॉन्सेप्ट व्हिच आर आस्क्ड इन GS2. तो गवर्नेंस, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज, इन पे फोकस करना होगा ये कीवर्ड यूज करके. और देखिए, हर एक एग्जाम की, हर एक टॉपिक की अपनी एक लेक्सिकॉन है, अपनी एक वोकैबुलरी है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट. एक कॉन्सेप्ट होता है अकल्चरेशन, जहाँ पे दो कल्चर मिलके एक नया वो आता है. तो अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक कि वो दे डोंट यूज टेक्निकल टर्म्स, दे यूज टू कल्चर्स आर मिक्सिंग एंड अ न्यू कल्चर इज बीइंग फॉर्म. अब एज एन एग्जामिनर, इफ आई एम रीडिंग this statement and I versus I am reading the term acculturation, so
किसको मैं ज्यादा नंबर दूंगा, जिसने अकल्चरेशन लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो पढ़ के आया है, मुझे पता है कि उसको टेक्निकल नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। और जनरल स्टडीज में ये ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट में बह नहीं जाना है, क्योंकि वो इंटर जनरल स्टडीज पे। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड, कि वो जो कीवर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्पेशल बुक से पढ़ने हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं बुक्स में ये की टर्म्स होते हैं, जैसे फंड फंक्शन फंक्शनलिटीज, डिवोल्यूशन हो गया, नियो लिबरल हो गया, रोल बैक ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है, इस तरीके के की टर्म्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जनरल स्टडी पेपर। बिल्कुल, और वही डिफरेंस है एक नंबर एक्स्ट्रा में, दो नंबर एक्स्ट्रा में। अगर आप ये भी देखें ना कि अगर आपको हर एक पेपर में योर 7 पेपर्स आर काउंटेड, इफ इन एवरी पेपर बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल चेंज यू आर गेटिंग 3 or 4 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो 30 नंबर तो आपके स्ट्रेट अवे हो गए ना, और वही फर्क होता है लास्ट, वही फर्क। ऑलराइट, फेयर इनफ। Is there anything you would like to add in this context? इसमें बस एक चीज है कि context समझना जरूरी है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को हर चीज याद होनी चाहिए, नहीं। अब जैसे there was a question, I don't remember, corruption के ऊपर कोई question था, तो उस time पे Transparency International ने कोई report निकाली थी जिसमें India was not doing very well. तो अब मैंने उसमें I did not remember exact rank. तो अब मैंने उसमें लिख दिया 176 out of 180 countries. अब unless examiner has this in front of him कि भाई नहीं जी 176 नहीं है, 174 है। थोड़ा generalized content पे play करना होता है आपको। थोड़ा generalized content पे play करना है, थोड़ा risk लेना है। ये भी नहीं है कि Transparency International में जी हम तो बिल्कुल last में हैं। आपको पता होना चाहिए कि ballpark figure क्या है। बिल्कुल। तो data में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे play कर सकते हो, बट डेटा का जो रेफरेंस है, जो इन्फ्रेंस है, डेटा कुछ पॉइंट आउट करता है, वो सिमिलर होना चाहिए, चाहे नंबर एक दो ऊपर हो जाए। बिल्कुल, और अगर आप ये सारी चीजें कोट कर लेंगे तो वहीं पे आपका डिफरेंस आएगा। प्रीलिम्स के लिए हम सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फलाना ये वो, आपको जनरली पता रहता है कि ये है, तो व्हाई नॉट यूज दैट नॉलेज इन योर मेंस एग्जाम। ये काफी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जो प्रीलिम्स में कंटेंट पड़ा हुआ होता है उसको कंसोलिडेट नहीं करते मेंस के लिए, इतनी सारी रिपोर्ट्स वहां पढ़ते हैं और फिर मेंस के लिए वो डेटा एंड रिपोर्ट्स अलग से ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर उसी रिपोर्ट्स को उसी डेटा को यूटिलाइज करना है आपको। एग्जैक्टली, तो वो आपको बेसिकली इट्स अ जर्नी। देखिए प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रोट लर्निंग, रोट लर्निंग एंड नॉर्मल कॉमन सेंसिकल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। मेंस इज अबाउट एनालिटिक्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स कितनी है। अब इसमें एक फ्लॉ है, इसमें फ्लॉ जो है वो ये है कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आप वहां पे जाके एनालाइज करने मत बैठिए। देखिए आप सब हिंदू पढ़ेंगे, आप सब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू में ओपेड आ रहा है, जो एडिटोरियल आ रहा है, वही आपका ओपिनियन है, आपको अपने ओपिनियन नहीं बनाना है। लेकिन उस ओपिनियन को समझ के इंटरनलाइज करके उसको बस लिख देना है, रिप्रोड्यूस करना है। हाँ, आपके यहाँ पे आपके पास कभी वो समय नहीं रहेगा कि आप वहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे, नहीं रहेगा। जब लोग मुझसे, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एनालिसिस क्वालिटी होना चाहिए, मैं यही कहता हूँ कि वहाँ पे टाइम लिमिट में ऐसा कुछ एनालिसिस निकलता नहीं है। कुछ 6-7 जनरल पॉइंट आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो जो आपने न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, स्टैटिक बुक में पढ़े हैं, ऐसा कुछ भयंकर एनालिसिस वहां कर ही नहीं सकते आप इतने कम टाइम में, और करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए एज एन एग्जामिनर मुझे बंडल मिलता है 20-25 व्हाटएवर, आई डोंट नो द सिस्टम, लेकिन अगर मुझे एक दिन में 50 पेपर भी चेक करने हैं तो मेरे पास टाइम थोड़ा है कि मैं हर पॉइंट पढ़ूंगा। बिल्कुल। मैं माय फोकस विल बी कि भाई अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, अच्छा ठीक है, अगर मेरा इंट्रोडक्शन ही क्वेश्चन से मैच नहीं करता है तो मैं तो बोलूंगा मैं तो व्हाई वुड आई रीड द रेस्ट ऑफ द आंसर। अगर मुझे पता है चलो ठीक है इंट्रोडक्शन इज मैचिंग, मैंने 3-4 पॉइंट पढ़े, मैंने बोला चलो बढ़िया, फिर कंक्लूजन में कुछ अजीब सा ही लिख दिया, तो मैं नंबर क्यों दूंगा। एक कोहरेंस होना चाहिए आंसर में, एंड दैट कोहरेंस एंड दैट आंसर शुड एक्चुअली आंसर दैट क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी अबाउट एनीथिंग एल्स। That is the most important thing, I think. Question की demand को address करना है, सबसे important thing वो है।
All right. So thank you, Utkarsh. Thank you for joining us. Thank you. Thank you for having me. All right. Thank you, Utkarsh.